गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं कर रही थी दिवाली की डेकोरेशन, मतलब लाइट्स लगा रही थी गैलरी में। तो मैं कुछ दिया बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक दिस। और अभी बज रहे हैं 1। गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकते, गुड आफ्टरनून। तो फटाफट चलो करते हैं इसे। चालू करके देख लेते हैं, जल रहा है। और इसका अभी तो नॉर्मल दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब तो दिन में तो कुछ दिखेगा ही, रात को चालू करके देखेंगे प्रॉपर बनाया गया। मैंने दिया का शेप देने की कोशिश की है, पता नहीं प्रॉपर बना है कि नहीं बना है, बट ठीक है, शाम को चेक करेंगे। नीचे से भी देखूंगी मैं, बाहर से भी, कि कैसा दिख रहा है ये। लाइट्स तो मैंने चालू कर दिए हैं और अभी बज रहे हैं शाम के 5, क्योंकि हम जा रहे हैं पापा से मिलने भाभी के, क्योंकि हम जा रहे हैं पापा से मिलने भाभी के घर पे। तो तब तक थोड़ा बहुत अंधेरा तो हो ही जाएगा, आधे एक घंटे में हम आएंगे, तो तब तक अंधेरा हो जाएगा। फिर नीचे से भी लाइट्स भी देख सकते कि कैसा दिख रहा है, तो इसलिए मैंने अभी से चालू कर दिया है। चलो चलते हैं पापा से मिलना है, क्योंकि कल अच्छी तरीके से मिल नहीं पाए थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हो गए थे एक ही साथ में, तो उनको टाइम तो दिया ही नहीं मैंने, उनसे मिल ही नहीं पाई। और भैया से भी मिल लेते हैं, भैया अभी आए थे मुझसे मिलने, बट मैं सोई थी तो आधी तो बेहोश ही थी मैं, सोने के उसमें थी, तो उनसे भी नहीं मिली। और भैया से भी मिलेंगे, क्योंकि कल उनका ट्रेन है, कल वो चले जाएंगे बॉम्बे सुबह सुबह, तो फिर मिलना नहीं हो पाएगा जल्दी, इसीलिए मैं और मम्मी जा रहे हैं। मंदिर का भी लाइट चालू कर दिया हमने। क्या खा रही है? क्या खा रही है? वो आ गई। देखो तो जरा। क्या है? ये पानी है। पानी पिला रही है, पी के देखो तो जरा। हेलो पापा। नमस्ते। आज हुआ मिलना। चल फोटो खींच। मिलते फोटो खींचते समय अब सोनिया का आदित्य फेर स्माइल। आओ आओ, बस एक की कमी, वो भी आ जाती तो बड़ा मजा आ जाता ना आपको। ना डायरेक्ट उधर सदरपुर से डायरेक्ट निकल जाना चाहिए था, ठीक है? इधर आके मुंह नहीं दिखाना चाहिए था। तो मुझे क्या मालूम था मैं जाऊंगा क्या? हाँ, जैसे कि कुछ पता नहीं रहता है, पहले प्लानिंग रहती है, ऐसे कोई जाता नहीं है, ठीक है? कोई प्लान नहीं थी बच्ची, मैं तो यहाँ अगर प्लानिंग होती तो ना भवंडर कहाँ खरीदता यहाँ पे। आपका ना कुछ भरोसा नहीं है, सही बताऊँ ना, कैमरे के सामने बोल रही हूँ, आपको कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मैं 2 साल बाद फिर उड़ा सकता हूँ। देखा, फेंक दो ये सब, क्या कर रही हो? तो भैया पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग नहीं कर रहे, सॉरी, कपड़ा वपड़ा प्रेस कर रहे। पैसा होना चाहिए, मैं अमेरिका चला जाऊंगा। हाँ सही बात है, पैसा तो जरूरी है आज के टाइम पे, इसलिए तो कोई कुछ नहीं कह रहा, नहीं तो फिर आपको कोई जाने देता था ना। भैया की पैकिंग चालू है, कल जा रहे हैं भैया जी। आपकी शायरी बड़ी याद आएगी, एक आप शायरी सुना दो, आता है तो। आहा आहा। शायरी नहीं आती। हमारी चाय आ गई। तुम्हारा है ना? अरे हेलो, ये कौन है? नव्य है क्या? जाओ दादी बुला रही, दादी दादी। तुम्हारा बाप किसने बनाया? नहीं, दिवाली डेकोरेशन लगा है बेटा, दिवाली डेकोरेशन। ये कितना सुंदर है ना। नव्या जा रही है हमारे साथ हमारे घर, है ना नव्या? सपने देखो कैसे डेकोरेट कर दिया, आपने डेकोरेट किया अपना घर, देखो लाइट्स लगाई सबने।
लाइट जलाया है, वो देखो मैंने भी लाइट लगाया है, दिया बनाया है मैंने, दिया मैंने भी दिया बनाया, वो देखो ए, वो रहा दिया जैसा कुछ दिख रहा है, इसमें लाइट्स कम है ना इसके लिए। आपके घर पे किया डेकोरेशन? बोलो माता रानी की जय, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, मोरिया मोरिया, बोलो कृष्ण मुरारी की जय, बोलो बांके बिहारी की जय, बोलो माता रानी की जय, गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, बोलो हर हर महादेव जय। ऐसा है, मैंने लाइट लगाया है बाहर गैलरी में, बुआ ने लाइट लगा दिया है, चलो 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 चलो, लाइट आई लाइट आई लाइट आई, आ गई लाइट, ये हैप्पी दिवाली नव्या, हैप्पी दिवाली, बोलो हैप्पी दिवाली, आज इस बार दिवाली हम नव्या के साथ मनाएंगे, है ना नव्या, नया ना कपड़ा पहनेगी ना, है ना नव्या, कैसा है लाइट आपने लगाया अपने बालकनी में लाइट? क्या तो हम लगाएंगे। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो मैं ये दिया आपको क्यों दिखा रही हूँ, मैं अभी बताती हूँ। और ये मैंने मंगाया है मीशो से, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इसका मैजिक मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और जो और रही इसकी बात, तो दिवाली आ रही है, ऑफकोर्स डेकोरेशन के लिए आप सामान लेंगे ही, इसलिए इसका मैं इसको मैं अभी डाल दे रही हूँ वीडियो में, क्योंकि फिर मंगाने में लेट हो जाता है और फिर सामान आ नहीं पाता, इसके लिए वो सामान टाइम पे नहीं आ पाता और हम यूज़ नहीं कर पाते। तो ये दिया मैंने मंगाया था कुछ करवा चौथ के पहले ही आ गया था, मैंने उसके पहले ही इसे मंगाया था। दिया बहुत ही प्यारा सा है और ये प्लास्टिक का है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसके आसपास स्वास्तिक बना हुआ है। इसका मैजिक ये है कि पहले मैं दिखाती हूँ आपको, इसको रख दिया हमने यहाँ पे, मतलब ये अंधेरे में रहेगा ज़्यादा सुंदर दिखेगा और अच्छा दिखेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता रही हूँ। और आप देख सकते हो इसका रिफ्लेक्शन जो आ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर आ रहा है, आसपास में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है इसके प्लास्टिक की वजह से इसका रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा सुंदर आ रहा है और ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से देख सकते हो कितना सुंदर है, ऐसे ही पैकेट है इसके साथ में, तो आपने देखा दिया मतलब कितना अच्छा शो कर रहा है, अच्छा कितना अच्छा दिख रहा है वो, उसके रिफ्लेक्शन इतनी सुंदर आ रही है ना। तो ये मैंने मंगाया था मीशो से, जो ऐसा बॉक्स आएगा, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अलग अलग शेप की, अलग अलग डिज़ाइन की, हार्ट्स में है और स्वास्तिक में है, मतलब और भी अलग अलग चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ खोलकर। जो बीच में आप होल्डर जैसे लगाते हैं वो आपको ऐसा कुछ मिलेगा उसमें। तो अभी हमने स्वास्तिक का जलाया था, स्वास्तिक का जलाया था जो कुछ ऐसा है, और ये आपको अंदर से कुछ इस तरीके का रहेगा, ये इसके अंदर होल्डर दिया हुआ है, आप वही होल्डर लगा सकते हो, उसमें होल्डर लगाकर फिर आप दिया जला सकते हैं। स्वास्तिक का अभी मैंने आपको दिखाया, इसी तरीके से चार है, मतलब एक एक डिजाइन का पांच, एक डिजाइन का चार पीस है, ऐसे ही चार डिजाइन है। और ये है ओम, इस पे ओम बना हुआ है चारों तरफ, आप अपने घर में इसे लगा सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा ही सुंदर है ये। और अलग अलग कलर के हैं, जैसे आप उसके कलर भी रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन अलग आएंगे तो उसके कलर्स भी अलग है, तो उसके कलर की वजह से उसके रिफ्लेक्शन भी अलग आएंगे। एक इस शेप का है, ये भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा, इस पे कुछ बना हुआ नहीं है बट इसका शेप ऐसा है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम जब रंगोली बनाते हैं तो रंगोली पे हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है, तो उस पे आपको बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। एक इस शेप का है फ्लावर टाइप, तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। तो मैंने ये खासकर अपनी रंगोली के लिए मंगाया है, तो उस पे जब हम रंगोली बनाते हैं
खैर इतना अच्छा रंगोली तो मेरे से नहीं बन पाती, बट फिर भी जब हम रंगोली बनाते हैं उसको दिए से डेकोरेट कर देते हैं या फिर फ्लावर्स की रंगोली बनाते हैं तो उसको दिए के डेकोरेट कर देते हैं तो वो और भी ज्यादा सुंदर लगने लगती है। तो मैंने खासकर इसीलिए इसको मंगाया है। और फिर इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने अभी तक मीशो इंस्टॉल नहीं किया है तो आप मेरे लिंक से भी कर सकते हैं। आप मेरे लिंक से अगर इंस्टॉल करते हैं मीशो तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। और इसका ऑर्डर आईडी भी दे दिया है, आप मीशो पे जाके सर्च करके इसे ले सकते हो, मंगवा सकते हो। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं उसमें, डेकोरेट के लिए, डेकोरेशन के लिए, दिवाली डेकोरेशन के लिए, मंदिर डेकोरेशन के लिए, दिया, कैंडल्स, आर्टिफिशियल कैंडल, बहुत सारी चीजें हैं उस पर जिसको आप मंगा सकते हो। आर्टिफिशियल फ्लावर्स और सजाने के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो हम दिवाली कुछ, और मुझे खास के ज्यादा पसंद है दिवाली दियों से डेकोरेट करना घर को, अपने बालकनी को, अपने घर के बाहर डोर पे, विंडो पे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं चारों तरफ दिए 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 लगा दूं। इसको तो मैं ऑब्वियसली लगाऊंगी, अभी मैं और भी चीजें मंगाने वाली हूँ। और कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ, कुछ मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं मंगाऊंगी जरूर और आपसे शेयर भी करूंगी। इसी के साथ साथ जब मैंने दिन में लाइट्स लगाई थी वो कैसी दिख रही है मैं आपको दिखा देती हूँ। मम्मी तो बोली कि नीचे से इतना शेप नहीं दिख रहा है इसका, बट अब तो रहने दो, अब चेंज नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल से लगाया था मैंने इसे। मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है, इसमें लाइट्स कम है ना इसलिए थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। दिख तो दिया ही रहा है, मैं आपको दिखाई थी ना, दिख तो दिया ही रहा है, बट ठीक है, याद चल जाएगा, कोई बात नहीं, लाइट से मतलब है, शेप तो अपना अपना है।